सो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस यार, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सर्च करने जा रहे हैं फ्री फायर के ओल्ड प्लेयर की यूआईडी इन 2021। और यार, आज की वीडियो बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा 2017 का राइस्टार वर्सेस 2021 का राइस्टार। तो यार, वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है। और राइस्टार के साथ साथ और भी बहुत सारे पुराने प्लेयर हैं, उनको हम देखेंगे यार, उनकी यूआईडी सर्च करेंगे 2021 में, और देखेंगे क्या उन लोगों के पास रेड क्रिमिनल बंडल, हिप हॉप बंडल, सकूरा बंडल या ऐसा कोई रेयर बंडल है, या फिर उन लोगों ने फ्री फायर का बस मजे के लिए डाउनलोड करा था और 5-6 दिन खेलने के बाद ही डिलीट कर दिया। और यार, उन प्लेयर को 2017 में देखने बाद आप लोग बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि वो 2021 में कैसे होने वाले, क्योंकि जो प्लेयर 2017 में बिल्कुल नूब थे, आज आप लोग देखोगे कि उनके पास कितने ओपी ड्रेस आ गए हैं और उनका लेवल कितना ज्यादा है। एंड आगे बढ़ने से पहले एक बात आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि राइज स्टार का गेम प्ले 2017 में कैसा होगा, आप लोगों को क्या लगता है। देखते हैं यार, कितने लोग सही गेस कर पाएंगे। आप लोगों को क्या लगता है, राइज स्टार उस टाइम पे भी वन टैप मारता था या उस टाइम पे भी ओनली हेडशॉट मारता था? तो ये बात आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, देखते यार किसका आंसर सही रहेगा। और यार, जो लोग फ्री फायर में टॉप अप नहीं करते उन लोगों के लिए भी एक स्कीम है, 25 दिन में तुम्हारे डायमंड डबल। नहीं यार, ऐसा मजाक नहीं कर रहा हूँ, डायमंड डबल नहीं होंगे, लेकिन तुम लोगों को डायमंड फ्री में जरूर मिल सकते हैं। तो गाइस, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक ऐप का लिंक दे रखा है, वहां पर यार बिल्कुल फ्री के डायमंड बट रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने उधर से डायमंड नहीं लिए, जाके ले लेना, क्योंकि उधर आप लोगों को इतने ढेर सारे फ्री में डायमंड मिल रहे हैं, किसी ने सोची नहीं होगी। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो चलो फिर अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा, प्लीज लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, ताकि आप लोगों को हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। तो गाइस, ये क्लिप आप लोग देख सकते हैं, यहां पे ज्ञान भाई नॉक हो चुके हैं। अभी पावर बहुत ही कम है जिस बंदे ने मारा है, तो यार इनके टीममेट के ऊपर इंस्पेक्टेड जाएगा। तो यार, उसे देखेंगे हम कि अभी वो प्रो बन चुका है या उस बंदे ने गेम ही खेलना छोड़ दिया। तो गाइस, आप लोग यहां पे देख सकते हो उस बंदे की हम यूआईडी जल्दी से देख लेते हैं। इसका नाम उस टाइम पे था Yash123, अभी देखते हैं अब क्या होगा। तो अभी हमने कॉपी कर दिया, यहाँ पे देख सकते हो मिस्टर प्रिंस, इसने नाम चेंज कर दिया है। और ये बंदा 30 दिन से ऑफलाइन है, मतलब इसने जो गेम को खेलना छोड़ दिया है, या फिर सेकंड बात हो सकती है इसकी आईडी बैन हो चुकी है। लेकिन यार, जहाँ तक मुझे लगता है ना, इसने खुद ही गेम को खेलना छोड़ा है, क्योंकि आप लोग देख सकते हो इसके बैजेस, यार मतलब 3-4 बैजेस इसने खाली कलेक्ट करे थे। तो यार, ये बंदा भी गेम को क्विट कर चुका है। और आप लोग देख सकते हो यार, मतलब इतना पुराना बंदा। और इसके बंडल देख सकते हो, ये गैलेक्सी ट्रूपर वाला बंडल है, सेकंड वाला इंक्यूबेटर का। तो यार, ये वाला बंडल मुझे बहुत बढ़िया लगता है। और यार, इस बंदे ने इतनी अच्छी आईडी होने के बाद भी गाइस जो गेम को क्विट कर दिया। तो आप लोग बताना यार, अगर आप लोगों के पास ऐसी आईडी होती तो क्या आप लोग गेम को क्विट कर पाते? यार, मैं तो कभी गेम को क्विट नहीं कर पाता भाई, मेरे पास इतनी खराब आईडी है तब भी मैं गेम को क्विट नहीं कर रहा हूँ। अभी आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर सेकंड क्लिप, यहाँ पर ज्ञान भाई दोबारा से नॉक हो चुके हैं। और यार, इस वीडियो में जितने पार्ट लिए हैं ज्ञान भाई नॉक होते हुए लिए हैं, इस पर आप लोग बुरा मत मानना, क्योंकि अगर ज्ञान भाई नॉक नहीं होंगे तो आप लोग खुद बताओ हमें यूआईडी कैसे मिलेगी दूसरे प्लेयर की। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो गाइस, इस प्लेयर की हमने यूआईडी यहाँ पे देख लिया है। जल्दी से चलते से गेम में सर्च करते हैं। अभी भाई लोग देख सकते हो Season 1 का इसके पास एविटर और बैनर है। भाई, बहुत पुराना ये बंदा। और देख सकते हो 74 इस बंदे का लेवल हो चुका है। और यहाँ पे ड्रेस कॉम्बिनेशन, यार मुझे लगता है इसके पास कोई रेयर बंडल होगा, लेकिन हो सकता है अभी ये पहनाया हुआ नहीं हो। अभी देख सकते हो इसने भी गेम को खेलना बहुत कम कर दिया है। और लगता है यार, ये भी एक नो टॉप अप प्लेयर बन चुका है। आप लोग देख सकते हो, ना तो ये लाइट पास लेता है ज्यादा, ना ही कोई चीज लेता है। यार, मैं तो कहता हूँ उस बंदे ने बिल्कुल सही करा, टॉप अप करना छोड़ दिया। आप लोग भी गाइस टॉप अप मत करा करो। अभी आप लोग देख सकते हो मेरे अकाउंट में भी सिर्फ 7 डायमंड बढ़े। भाई, मैं टॉप अप नहीं कर सकता क्या? मैं तो यूट्यूबर हूँ, बहुत आराम से टॉप अप कर सकता हूँ, लेकिन यार उसके बाद भी मैं टॉप अप ज्यादा नहीं करता हूँ, क्योंकि यार मुझे पता है उससे पैसे वेस्ट होते हैं। तो अगर आप लोग भी टॉप अप करना छोड़ दोगे ना, तो यार फ्री फायर को मजबूरन आके जो चीजें हैं वो फ्री में देनी पड़ेंगी आपको, या तो फ्री में देंगे या फिर बहुत कम डायमंड दे देंगे। तो अभी आप लोग थर्ड क्लिप यहाँ पे देख सकते हो, ज्ञान भाई सामने जा रहे हैं और बंदे को मारने की कोशिश। भाई, लेकिन एक बंदे को तो नॉक कर दिया, लेकिन अभी सामने से पूरे 3 बंदे आ चुके हैं। तो देखते क्या नॉक कर पाएंगे। यार, अफसोस नहीं कर पाए नॉक, और बंदे ने पूरा फिनिश कर देंगे। तो अब इनके प्लेयर की जो यू आई डी अभी इसको देख लेते हैं। भाई, ये बंदा देखो उस टाइम पे इतना तगड़ा ड्रेस कॉम्बिनेशन, यार मेरा तो फेवरेट ड्रेस कॉम्बिनेशन है। अभी से चल के गेम में सर्च कर लेता हूँ, इसे ओपन करते हैं इसकी आईडी। तो अभी आप लोग क्या देख रहे हो भाई, मतलब सबसे बेस्ट ड्रेस कॉम्बिनेशन लगता है। Season 1 का लाइट पास का मास्क लगा दो और उसके ऊपर से हिप हॉप की शर्ट पहना दो। और आप लोग देख सकते हो इस बंदे का लेवल 81 लेवल है। भाई, मतलब अभी तक बंदा पूरा गेम में एक्टिव है। और देख सकते हो उस टाइम से अभी इसने बिल्कुल भी अपना नाम है चेंज नहीं करा है, और बंदा सारे इलाइट पास खरीद रहा है। और देख सकते हो टोंडी गेमर की गिल्ड में है, लेकिन यार मुझे जहां तक लगता है नकली वाली गिल्ड है वो। और आप लोगों को इसके स्टेट्स भी दिखा देता हूं। देख सकते हो यार, 3.85 का केडी रेट और 64% का हेडशॉट रेट है। भाई, मतलब स्क्वाड में 64% का, और यहां देख सकते हो डुओ में 48 और सोलो में 65% का। भाई, मतलब इतना ज्यादा हेडशॉट इस बंदे ने मेंटेन करके रखा है। और ये जो अभी आपको दिखा रहा हूं, एक सीजन का नहीं है, मतलब जब से फ्री फायर इसने खेलना शुरू करा है तब से अभी तक का है। मतलब उस टाइम से बंदा यार बहुत तगड़ा खेलता है। तो अभी हम देखेंगे उस बंदे की आईडी जिस बंदे ने इसे मारा था। देख सकते हो यहां पे इसकी की आईडी, आप लोग देख सकते हो। इसे जल्दी से चल के हम गेम में कॉपी कर लेते हैं। तो यहां पे भाई लोग, आप लोग देख सकते हो एग्जाम समीर ऐसा कुछ नाम इस बंदे ने रखा है, और
62 लेवल है, और जहां तक मुझे लगता है ये बंदा भी बहुत कम टॉप अभी कर रहा है। और यार मुझे लगता है इसने बीच में जो अपना गेम है वो क्विट कर दिया था। आप लोग देख सकते हो इसके एलाइट पास में सिर्फ एक बैच और दूसरे में सिर्फ 12 बैच है, और हो सकता है इस बंदे ने अपनी आइडिया उसे सेल कर दिया किसी और बंदे को, क्योंकि आप लोग देख सकते हो इसका नेम भी चेंज है, पहले कुछ और नेम था अभी कुछ और है। तो गाइस अभी हम देखते हैं अपनी फोर्थ आईडी। आप लोग यहां पर देख सकते हो सामने जो बंदा है भाई लॉन्चर से कितना ओपी खेल रहा है, चारों बंदों को मार दिया। और यहां पर देख सकते हो इसकी यूआईडी, हम लोग जल्दी से देख लेते हैं यार ये बंदा थोड़ा अच्छा लग रहा था। तो जैसी गाइस जैसे मैं गेम में जाके मतलब देखता हूं तो यार ये बंदे ने भी गेम को क्विट कर दिया। आप लोग देख सकते हो 30 दिन से ये ऑफलाइन है बंदा, और यार इलाइट पास के बैचेस भी देखो कितने कम कम कलेक्ट कर रहा था। इससे ये पता चलता है इस बंदे ने जो गेम को खुद ही क्विट करा है। और देख सकते हो सीजन 4 के इलाइट पास की ड्रेस पहना हुआ ये बंदा, और एवटर भी देख सकते हो भाई बहुत रेयर है ये वाला एवटर। तो आप लोग इसके पूरे स्टेट भी दिखा दे रहा हूं यार इस बंदे के पास, मतलब कि एशियन स्कार्फ भी होगा इसकी। अगर आईडी भाई मुझे मिल जाए ना भाई यार इतना बढ़िया रहेगा। अगर इस बंदे को गेम क्विट करना था भाई अपनी आईडी किसी को देके ही चला जाता यार। देख सकते हो 61 लेवल है, उसके बाद भी इसकी आईडी में जो कलेक्शन है मुझे पता यार बहुत तगड़ा कलेक्शन होगा, क्योंकि जो बंदा भी सीजन 4 का इलाइट पास लिया है उसमें यार चीजें बहुत बढ़िया बढ़िया थी। तो गाइस अभी हम देख लेते हैं अपने नेक्स्ट प्लेयर को। आप लोग यहां पे देख सकते हो यार भाई को मार एक बंदे ने कार में बिठाए, और इस बंदे को यार देखते हैं यार मुझे जहां तक लगता है इस बंदे ने सीजन 2 में नया गेम को ज्वाइन करा था, और लगता है इसने गेम को उसी टाइम पे क्विट कर दिया होगा। तो जल्दी से सर्च करते हैं, और आप लोग देख सकते हो भाई मेरा प्रेडिक्शन बिल्कुल सही रहा। इस बंदे ने गेम को बस 3-4 दिन खेला, उसके बाद ही डिलीट कर दिया। बस इसने गेम में टोटल 20 मैचेस खेलते हैं, लेकिन इसका टीममेट जो था भाई उसकी आईडी बढ़िया लग रही थी। इसे जाके गेम में जल्दी से हम लोग सर्च करते हैं, और कितना पुराना प्लेयर देख सकते हो, सिर्फ 8 डिजिट की इसकी यूआईडी है। और जल्दी से जैसे मैं इसे सर्च करता हूं भाई यार 63 लेवल इसका भी सेव, और आप लोग देख सकते हो यार ड्रेस कॉम्बिनेशन क्या पहनाया ये बंदा। और इस बंदे ने भी गेम को खेलना बहुत कम कर दिया, अभी तो लगता है इसने अपनी आईडी सेल कर दी, क्योंकि यार देख सकते हो इसने दोबारा से लाइट पास खरीदना शुरू करा है और दोबारा से गेम को खेलना शुरू करा है। अरे आप लोग ऐसा मत सोचो कि इसके आईडी में बेकार कलेक्शन होगा, क्योंकि जो मैंने आपको पहले क्लिप दिखाया था उसमें देख सकते हो इस बंदे के पास थे 145 बैजेस, और वो भी सीजन 2 में, और इसने इलाइट पास भी परचेस कर रखा था। और उस टाइम में हमें जो इलाइट पास का मेन बंडल होता था, मतलब कि जो हमारा हिप हॉप बंडल है, वो मिलता था हमें सिर्फ 125 बैजेस पे, और इस बंदे के पास थे 145 बैजेस। तो इस बात से ये तो कंफर्म होता है कि इस बंदे के पास हिप हॉप बंडल तो होगा, और उसके साथ भी पता नहीं यार कौन कौन से अच्छे अच्छे बंडल भी हो सकते हैं। तो भाई अभी बारी आती है आपके फेवरेट प्लेयर राइस स्टार की। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये है राइस स्टार का पुराना गेम प्ले, 2017 का है, और यहाँ पे गाइज मतलब हेडशॉट तो लगते ही नहीं थे उस टाइम पे, मतलब पूरा अगर हम एम करके मारते थे बस उसी टाइम पे हेडशॉट लगते थे, वरना ड्रैग और वन टैप ऐसा कुछ भी नहीं होता था यार। लेकिन उस टाइम पे भी देख सकते हो मूवमेंट स्पीड भाई कितनी तेज है राइस स्टार की। और आप लोगों ने क्या प्रेडिक्शन करा था कमेंट्स में जरूर बताना, और आपका प्रेडिक्शन सही निकला या फिर नहीं। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो गाइस उस टाइम पे जो हमारे गेम के ग्राफिक्स थे कितने ज्यादा खराब थे, लेकिन उस टाइम पे हमें गेम खेलने में इतना ज्यादा मजा आता था ना, क्योंकि उस टाइम पे हम सभी नूब थे। जब नूब होते ना तो गेम खेलने का अलग ही मजा आ जाता है यार, प्रो बनने के बाद गेम खेलने का इतना ज्यादा मजा नहीं आता है, लेकिन जब हमने गेम नया नया डाउनलोड करते हैं ना तो उस टाइम पे गेम अलग ही लगता है भाई, इतना ज्यादा मजा आता है कि पूरे दिन भी हम खेल सकते हैं। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो गाइस राइस स्टार ने 1v4 क्लच भी कर दिया, यहाँ पे चारों बंदे होते हैं उन्हें खत्म कर दिया, लास्ट का एक बंदा बचा था। तो यार अगर उसको भी दिखाता क्लिप तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती। तो चलो अभी यार हम इसे गेम में जाके सर्च कर लेते हैं, और देख सकते हो 7 घंटे पहले राइस स्टार जो गेम में ऑनलाइन था। और यार एक बार मुझे समझ में नहीं आ रहा यार गिल्ड में तो यार राइस स्टार ज्ञान गेमिंग गिल्ड में था, लेकिन अभी यार देख सकते हो गिल्ड का नाम चेंज हो गया है, या तो हो सकता है वही गिल्ड हो, बस उसका नाम चेंज कर दिया, या हो सकता है राइस स्टार मतलब कोई और गिल्ड में चला गया वो एक दो दिन के लिए। तो क्या लगता है आप लोगों को कमेंट सेशन में बताना, अगर आप लोगों को इसके पीछे का रीजन पता है तो वो भी बता देना भाई, मुझे तो नहीं पता। और आप लोगों को राइस स्टार का स्टैट्स दिखा देता हूं, आप लोग देख सकते हो यहां पे मतलब 3.97 का केडी रेट है, उसके बाद हेडशॉट रेट है 47% का है, और बाकी आप लोग सोलो और डुओ का भी देख सकते हो मतलब लगभग सेम ही ऑलमोस्ट। और आप लोग देख सकते हो बस मेरा हेडशॉट रेट है थोड़ा 43% का है। तो अभी हम बात कर लेते हैं गाइस रैंक गेम की, मतलब क्लासिक तो राइस स्टार ने बिल्कुल भी नहीं खेला इस सीजन में, रैंक भी मैच बहुत कम खेले, देख सकते हो यहां पे सिर्फ 24 गेम्स खेले हैं रैंक के, तो यहां पे उसमें भी हेडशॉट रेट 60% का था। अभी बात कर लेते हैं गाइस क्लैश स्क्वाड की, आप लोग क्लैश स्क्वाड में देख सकते हो ये राइस स्टार का जो विन रेट है गाइस देख सकते हो 69% है, और हेडशॉट रेट 71% भाई, मतलब 10 में से 7 बंदों को गाइस राइस स्टार हमेशा हेडशॉट मारता है, तो इतना समझ लो आप लोग 70% का मतलब इतना होता है। तो चलो आज इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं, उम्मीद करता हूं आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, और अगर और भी ज्यादा पसंद आई तो सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूं तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।